फ्रेंड्स नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे बिटूनिया में काफ़ी खूबसूरती से फ्लावरिंग होने लगी है और काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग बर्ड्स भी आने लगी हैं फ्रेंड्स। और ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते में फ्रेंड्स मैंने इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था आज मैं आप लोगों से वही शेयर करने वाली हूँ। इससे फ्रेंड्स बहुत सारी फ्लावरिंग बर्ड्स आ रही है, मैं एक एक करके आपको सारे अपने बिटूनिया दिखाती हूँ। हैं काफ़ी फ्लावरिंग पे हैं और इनकी बर्ड्स भी काफ़ी सारी आ रही है। और ये देख रहे हैं, ये पिंक में है, इसकी बर्ड्स देखिए काफ़ी सारी आना स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक खूबसूरत सा प्लांट फ्लावर ये है, इसमें आपको मैं बर्ड्स देख रही हैं कितनी सारी रेडी हो रही है। ये देखिए आपको दिख रही होगी, बहुत क्वांटिटी में है। तो इनमें फ्रेंड्स मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला है मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसमें फ्रेंड्स, इनकी जो पौध थी वो बहुत छोटी छोटी थी और मैंने आपको पहले ही शेयर करा है कि मैंने इनको पौध से लगाया है फ्रेंड्स। तो एक हफ्ते में ये इतनी खूबसूरती से निकल के आई है फ्रेंड्स और इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स भी काफ़ी सारी हो गई है। अब इसमें फ्लावरिंग होने के लिए स्टार्ट है और एक एक दो दो फ्लावरिंग हो भी रही है फ्रेंड्स। तो मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है आइए उसी पर बात करते हैं फ्रेंड्स। मैंने एक डब्बे में 10 लीटर का था, उसमें एक दर्जन मेरे यहाँ केले आए थे अभी दोबारा से और समथिंग 10-15 दिन हो गए हैं। मैंने फ्रेंड्स उनके सारे छिलके उस डब्बे में डाल के पानी फिल कर दिया था और अभी मैंने उसमें से ये निकाला है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा टॉनिक बन चुका है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। और इसका कलर ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स जब ये बनाना पील फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में तैयार होता है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो ये ज़्यादा नहीं डालना है मैंने, ये सिर्फ ये मैंने ये छोटा एक गिलास बना रखा है, सिर्फ एक फ्लावरिंग पौध में मैंने ये एक ही डालना है और पहले भी ऐसा ही करा था। तो फ्रेंड्स करना क्या है, करना ये है फ्रेंड्स के इसमें आप चाहें तो इसको ऐसे ही दे सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर फ्लावरिंग ज़्यादा हो तो इसमें एक फर्टिलाइज़र और ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। 1919 का जो फर्टिलाइज़र होता है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। मैं इतना जितना लिक्विड आपको दिख रहा है फ्रेंड्स इतने ही लिक्विड में मैं एक चम्मच डालने वाली हूँ और उसको घोल करके और अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये डिब्बा देख रहे हैं मेरा, इसमें ये जम चुका है क्योंकि इसका ढक्कन खो गया था। तो मैं इसी में से एक चम्मच 1919 का डालने वाली हूँ। अब फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल दिया है और मैंने इसमें आधी चम्मच पोटाश डाला है फ्रेंड्स। और मैं इनको तीनों चीज़ों को इसमें मिला देने वाली हूँ इस तरीके से, पूरी अच्छी तरह से फ्रेंड्स मिला लें। आप चाहे तो एनपीके के 5-10 दाने भी इसमें डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छा टॉनिक बन जाएगा फ्रेंड्स हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। आप इसको गुलदावरी में और फ्रेंड्स बैंथस में, जितने भी विंटर्स में फ्लावरिंग प्लांट आपको चाहिए होते हैं या फिर आपके गार्डन में हैं फ्रेंड्स, आप उसमें सब में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है हम नर्सरी से ऐसा कोई पौधा लाए हैं या फिर पौध लाए हैं जो समय से तैयार नहीं हुई है, तो फ्रेंड्स नर्सरी वाले जितने भी हैं वो सभी इसी तरीके का फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। मैं तो फिर भी इसमें थोड़ा सा आप हट के बता रही हूँ, ऑर्गेनिक तरीका भी है कि जो मैंने बनाना पील फर्टिलाइज़र ऐड किया है, मैंने सिंपल पानी नहीं लिया है, नर्सरी वाले सिंपल पानी में इस तरीके की कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं केमिकल और उसके बाद अपने पौध में फ्रेंड्स डाल देते हैं। तो उनकी समय से पहले पौध रेडी हो जाती है आप देखते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके का है। तो मेरे पास जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं फ्रेंड्स मैं उनमें डालने वाली हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स ये कम्प्लीट हो चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो मैं आप चाहें तो इसमें थोड़ा जितना पानी ये है फ्रेंड्स समथिंग 5 लीटर है ये, और आप चाहें तो इसमें 5 लीटर डिल्यूट कर सकते हैं मिला करके और फिर डाल सकते हैं। बट मैं मेरे पौधों में जो वाटरिंग है वो मैंने कल कर दी थी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि सारा निकल जाएगा।
इसलिए मैं इसको दवाई की तरह देने वाली हूँ, अपने प्लांट्स को टॉनिक की तरह। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूंगी, तो मैं आपको वही देख के बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने प्लांट्स में ये वाला फर्टिलाइज़र देती हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये मेरा फर्टिलाइज़र मैं एक गिलास में है, ये देखिए, और मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा इस तरीके से इधर से दिया और थोड़ा सा फ्रेंड्स इस तरीके से इधर से दूंगी। तो आप थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स चारों तरफ से दे सकते हैं। तो ये मैंने एक गिलास एक पौध में फ्रेंड्स दे दिया है जो, और जब भी दे फ्रेंड्स आप फर्टिलाइज़र, तो आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक या दो दिन पहले अपने जितने भी प्लांट हैं उनको सबको वाटरिंग कर दें, और मिट्टी नमी रहेगी मिट्टी में, तो फ्रेंड्स आपकी जो जड़ें हैं वो इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगी और हमारे जो प्लांटर से पानी निकलेगा भी नहीं फ्रेंड्स। तो मैं इसी तरीके से हिसाब लगा के देती हूँ अपने प्लांट्स को। तो आज मैंने दिया है, आप देख सकते हैं जैसे कि अब ये मैं चारों तरफ से दे रही हूँ, इधर से देखिए, थोड़ा इधर से, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, इस तरीके से देना है। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि इसको टॉनिक मिल चुका है और एक हफ्ते बाद जो इसका रिज़ल्ट है, वैसे तो अभी ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ है, बट मैंने थोड़ा सा और दे दिया है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से फ्लावरिंग करें, ज़्यादा टाइम तक करें, तो ज़्यादा नहीं, जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बनाना बताया है फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप हर 15 दिन में कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम करता है ये फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स जितने भी फ्लावर लवर हैं फ्लावरिंग के, वो फ्रेंड्स आप इस तरीके के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके लाइक के बगैर मेरा इतनी मेहनत करना वेस्ट है फ्रेंड्स। तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लें ताकि खूबसूरत जानकारी आपको ईज़िली मिलती रहे। और फ्रेंड्स अपने प्लांट्स का और अपना ख्याल रखें, मैं फिर मिलती हूँ अच्छी सी जानकारी के साथ। बाय फ्रेंड्स।